यूपी के जनपद मैनपुरी में सत्ता के गरूर में मगरूर एक कैबिनेट मंत्री ने कोविड 19 के साथ साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस और आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मंत्री की तस्वीरें मीडिया कर्मी के कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी सुनील कुमार राजपूत के समर्थन में मतदान की अपील की। इस दौरान वे एक नुक्कड़ सभा में अपने लाव लश्कर के साथ प्रोटोकॉल के माध्यम से सरकारी गाड़ी से पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास करवाया है और वह गांव गांव में विकास करवाना चाहती है। सत्ता के गरूर में मंत्री कोविड 19 आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए किस तरह से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, यह सभा की तस्वीरें देखने से पता चल रहा है। सभा में इतने पास पास बैठे लोग क्या कोरोना जैसी प्राण घातक बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते? जहां आचार संहिता के चलते चार लोग गांव में इकट्ठे बातचीत नहीं कर सकते, तो आखिरकार नुक्कड़ सभा करने की मंत्री को परमिशन किसने दे दी? मंत्री जी के साथ प्रोटोकॉल के चलते दो पुलिसकर्मियों सहित सरकारी गाड़ी के अलावा 16 अन्य गाड़ियां मौजूद थी। इस संबंध में जब राम नरेश अग्निहोत्री से मीडिया कर्मियों की बातचीत हुई और मीडिया कर्मियों की बातचीत से हताहत मंत्री अपनी गाड़ियों की गिनती को बचाने के उद्देश्य से आनन फानन में 9-2-11 हो गए। इतना ही नहीं, सपा बसपा और कांग्रेस के समर्पित प्रत्याशी किसी भी स्वीकृत फोर व्हीलर पर अपना प्रचार स्टीकर नहीं लगा सकते, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी सुनील राजपूत की गाड़ियों में स्टीकर के अलावा अन्य चुनाव सामग्री भी मौजूद रहती हैं। आखिर बीजेपी के प्रत्याशियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? मैं अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसमें जो है ना जिला पंचायत के भी चुनाव सम्मिलित हैं। ऐसे में जो है ना मैनपुरी से कितने आपके प्रत्याशी उतर के आए हैं और किन किन वार्डों से? मैनपुरी जनपद में 30 वार्ड हैं और जिला पंचायत के, और 300 वार्डों में हमारी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जी। हम प्रधान के चुनाव पार्टी की ओर से नहीं लड़ रहे, बीडीसी का चुनाव हम पार्टी की ओर से नहीं लड़ रहे जी, केवल जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव इस समय लड़ रहे हैं। पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को उतारा है क्योंकि हमें जिला पंचायत का अध्यक्ष अपना बनाना है जी। और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हम पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे। अभी वर्तमान में आप जो है ना वार्ड नंबर 12 में आप प्रचार कर रहे हैं, यहाँ से कौन प्रत्याशी उतर के आया? 12 नंबर वार्ड में हमारी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता सुनील राजपूत, जो इसी विधानसभा क्षेत्र के हिमायतपुर गांव के रहने वाले हैं, उनको पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। और जनता का आशीर्वाद, जैसा मैं घूम रहा हूँ मुझे दिखाई दे रहा है कि भारी बहुमत से सुनील राजपूत की विजय होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसा कि सर आप सुनील राजपूत के साथ चल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और इस तरह से जो ना अन्य पार्टियों के भी जो पदाधिकारी हैं वो नहीं घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, आप जो ना मेरी विधानसभा क्षेत्र है जी, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जा रहा हूँ और जाऊँगा। अच्छा सर, जैसा कि स्टॉलेज लगी हुई है, गाइडलाइन जो है कि 5 आदमी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो है काफ़ी भीड़ है। आपके साथ गाड़ियां भी हैं काफ़ी, आप खुद गाड़ी से चल रहे हैं सर? नहीं, बहुत गाड़ियां नहीं है, कुछ तो अपने निजी लोग। मैं इस समय उसमें देख रहा हूं कि सुनील यादव की कम से कम 16 गाड़ी चल रही है, 16 गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई है, क्या कहेंगे सर? कुछ लोग आ गए हैं यहाँ बात हमारी सुनने के लिए जी, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ तो 2-4 गाड़ियाँ हैं ठीक, लेकिन कुछ लोग बात सुनने के लिए आए हैं, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। सुनील राजपूत प्रत्याशी है, मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना है, योगी जी के हाथों को मजबूत करना है, देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, स्थानीय निकाय में हमारी सरकार है, कोऑपरेटिव में हमारी सरकार है, अब जिला पंचायत में भी पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बने, हर जिले में हम जिला अध्यक्ष अपना बनाएं, जिससे कि विकास का जो पहिया है जो तेजी से चल रहा है उसे और तेजी से हम चला सकें, और अधिक तेजी से, क्योंकि जिला पंचायत के माध्यम से गांव का जो विकास है वही ना चलेगा, वो तेजी से आगे बढ़ाना चाहते,
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। हम इसको लेकर आगे चल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का माहौल है, जनता का आशीर्वाद है। कुछ लोग जो धन बल और बाहुबल के ताकत पर जनता को भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं, वो तो जनता आप सब समझ रही है। अब कुछ छुपा नहीं है, बाहुबली और धनबली अगर सही जीत जाते तो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक